रुक करदे आं अगली अहम खबर दा गल करदे आं जो इस वेले सुर्खियां बड़ी हुई है खबर चीन दे नाल तनाव दी। चीन दे मुद्दे ते रक्षा मंत्री ने अज सदन दे विच बयान दिता है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि साडे जवानां ने चीन नूं कब्जा करन तो रोकिया। जो इस वेले क्योंकि सदन की कार्रवाई भी जो चल रही उस विच विरोधियों वालों लगातार सवाल भी चुके जा रहे सन। इस नूं लेके अज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब दिता। उन्होंने कहा कि साडे जवानां ने चीन नूं कब्जा करन तो रोकिया, ना किसी जवान की जान गई है ना ही कोई गंभीर रूप नाल जख्मी होया। 9 दिसंबर नूं चीनी जवानां ने मौजूदा स्थिति बदलण की कोशिश की थी। ए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अज सदन दे विच बयान दिता। उन्होंने कहा कि असी चीन दे नाल कूटनीतिक पद्धर ते भी मुद्दा चुकिया। इस तों पहलां भी चीन अते भारत दे विचकार जो तनाव देखण नूं मिलिया अते ए जो अज खबर सवेर तो ही सुर्खियां विच सी, इस नूं लैके सदन दे विच हंगामा भी खूब होया। विरोधी इस नूं लैके सवाल सरकार ते चुक रहे सन, केंद्र ते चुक रहे सन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अज इस नूं लैके दोहां ही सदनां दे विच लोक सभा ते राज सभा दे विच बयान दिता ते क्या ना ही किसी जवान की जान गई है ना ही कोई गंभीर रूप में जख्मी हुआ। इस गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को ही एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। 9 दिसंबर 2022 को PLA ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से PLA को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण PLA सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। तो मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा, और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा।